बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मौजूद हूँ इस टाइम अब्दुल्ला का पुल कॉलोनी में। यहाँ पर आज शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया है चौधरी असगर साहब, वकास नोन साहब ने और बाकी हमारे तमाम दोस्तों ने। तो हम इनसे पूछते हैं इसका क्या मकसद है। वकास साहब, शजरकारी आप कर रहे हैं अपने एरिए में, इसका मेन मकसद सर आप बताना अगर। अस्सलामु अलैकुम जी, हमने ये प्रोग्राम पिछले साल शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा मकसद ये था कि हमारी जो गली है, कॉलोनी है, सारी सरसब्ज हो, जैसा कि आप दिखाएँ कैमरे के अंदर ये दरख्त लगे हुए हैं सारे, इस तरफ देखें ये सारा सरसब्ज इलाका, और इस तरफ देखें सारा ये, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले साल से शुरू किया था। तो इस साल ये दूसरी किस्त में लगा रहे हैं। मेन मकसद तो यही है कि हम अपने आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। हमारा जो काम है छोड़ के जाना, वो है ये आने वाली नस्लों के लिए ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन। ज़्यादा दरख्त होंगे, फ्रेश ऑक्सीजन होगी, मौसम ठंडा होगा, बारिशें ज़्यादा होगी, यही मसला है और यही हमारा मुद्दा है। और दरख्त लगाना सवाब है, सदका जारिया है, इस नीयत से भी लगा रहे हैं। दूसरी बात ये कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, कोई उनसे माने या ना माने, उन्होंने भी ये सोचा कि पूरा पाकिस्तान ग्रीन हो, तो हम उसी मिशन को आगे लेके बढ़ रहे हैं। एक तो हमें सवाब भी मिलेगा इंशाल्लाह, और जब ये अब्दुल्ला कॉलोनी पूरी सरसब्ज हो जाएगी तो इसके बाद इंशाल्लाह हम अपने देहातों में जाकर करेंगे। चौधरी साहब का गाँव लम्मा पेंट, वहाँ जाएंगे, हरी सिंह में जाएंगे, अपने गाँव 175 नोएल में जाएंगे। तो ये हमारा मिशन है, इंशाल्लाह 3-4 सालों में आप देखेंगे ये सारा इलाका हम सरसब्ज कर देंगे अल्लाह के फजल से। ये गली तो आपको कुछ सरसब्ज नजर आ रही है, अगले साल आएंगे ये पौधे लगेंगे भी सरसब्ज नजर आएंगे आपको, ये सारे सरसब्ज नजर आएंगे। यही आने वाली नस्ल के जो बच्चे हैं, जब ये बड़े हों, तो इनका भी मुद्दा यही हो कि सरसब्ज पाकिस्तान, सरसब्ज इलाका हम सब के लिए खुशहाली रहेगा, बस यही कहना था। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, ये जो शजरकारी मुहिम आप लोग कर रहे हैं, ये आप लोग किस कोई हुकूमती वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या आप लोग खुद पर्सनली इनको कर रहे हैं आप लोग? और इससे पहले भी जो आपने की है सारी शजरकारी, ये किस बेस पे आप लोगों ने? अल्लाह ताला के फजल व करम से, मेरे अल्लाह साई का करम है, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के सदके से, पेंटन पा के सदके से कर रहे हैं। कोई हुकूमती मुआवजा नहीं है, कोई जाती किसी घर से कोई पौधे के लिए पैसे नहीं लिए। हमारे ये जो कामरान भाई हैं ये पीछे खड़े हुए हैं, इनकी मेहरबानी है। इसहाक भाई हैं, इसके साथ वो दूसरे भाई पीछे खड़े हुए, इनकी मेहरबानी है, ये हमारी बात मानकर आ जाते हैं, जहाँ गड़े निकाल देते हैं। और उमर भाई हैं, पर इन्होंने भी गड़े निकाले हैं इस दफ़ा, इनकी मेहरबानी, इन्होंने गड़े निकाल दिए, पौधे अल्लाह की रहमत से आगे लग गए, बस यही अपने वसाइल से कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें।